मैं आशिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेके चलने वाला हूँ आपको नेपाल के काठमांडू में जो कपड़ा का होलसेल मार्केट है उस मार्केट के वो एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, मतलब क्या क्या खर्चे आएंगे आपको, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक से बढ़कर एक नॉलेज देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आपको कैसे पहुँचना है, क्या क्या रूट होंगे और कितना खर्चा लगेगा, ए टू जेड जानकारी आपका भाई देने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया से मैं बाय द वे बस जा रहा था, तो विंडो साइड में बैठकर मैं वीडियो शूट कर रहा था। फ्रंट साइड का मुझे सीट नहीं मिल पाया। आपको पूरा गाइड करूँगा, आप जिस रास्ते से भी जाएंगे तो पहुँचना उसी जगह पर है। उस जगह पर पहुँचने के बाद मार्केट के अंदर गाड़ी नहीं जाती है, तो गाड़ी से उतरकर आपको पैदल किस रास्ते जाना है, कैसे जाना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मार्केट के अंदर रश बहुत ज़्यादा रहता है और मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था कि मैं वीडियो शूट करूँ, क्योंकि मैंने हाल ही में डिसाइड किया था कि मैं यूट्यूब पे काम करूँगा। तो ये मेरा पहला वीडियो शूट था आउटडोर में, तो मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। हालाँकि दो चार पिक्चर्स मैंने लिए हैं, उस पिक्चर के सहारे मैं आपको बता दूँगा कैसे पहुँचना है और कितने बजे से मार्केट खुल जाता है, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। मार्केट किस दिन क्लोज रहता है, ये सारा जानकारी आपके भाई आपके साथ शेयर करने वाला है। बने रहिएगा वीडियो के साथ में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपके भाई का मोटिवेशन और बढ़ेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली मैं बस में बैठ गया था और उस वक्त मैंने वीडियो ऑन किया और साइड में आप लोग देख पा रहे हैं ये जो एरिया है, इस एरिया को सोराखुट्टे बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सोराखुट्टे एरिया का दुकान सब है। तो आप किसी भी एरिया में रह रहे हैं काठमांडू में, तो आपको सबसे पहले पहुंचना है न्यू रोड, जिसको रत्न पार्क भी बोलते हैं। रत्न पार्क एरिया में सबसे पहले आप कहीं से भी गाड़ी बाई द बस आ रहे हैं या टैक्सी करके आ रहे हैं या आपका खुद कोई सवारी हो, तो आपको सबसे पहले न्यू रोड गेट पे पहुंचना है। न्यू रोड गेट पे पहुंचने के लिए आप यदि टैक्सी से आ रहे हैं तो टैक्सी वाले से मीटर के हिसाब से बात कर सकते हैं, या आप उससे बारगेनिंग करके आप चाहें जितना 200 300 400 मैक्स टू मैक्स 500 रुपया लेगा किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो, और या आप बस से किराए के बस से आना चाहते हैं, शेयरिंग बस है जो इस प्रकार आप देख रहे हैं, तो इस बस से आपका किराया 15 से 20 रुपया लगेगा, ठीक है। आपको रत्न पार्क ऐसे जो कंडक्टर होते हैं इस प्रकार से आवाज़ लगाएगा रत्न पार्क के हिसाब से, तो आप उस बस में बैठे और उस बस में बैठने के बाद में रत्न पार्क जो एक ये जो मैं जा रहा हूँ इसके ठीक अपोजिट में बहुत बड़ा सा पार्क है, मतलब फील्ड है, वहाँ पे कुछ आयोजन किया जाता है, जो भी जुलूस वगैरह हो या कोई अन्य पर्व त्यौहार में वहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाती है। तो वहाँ पर आपको जाना है और इसी रास्ते से आप न्यू रोड गेट तक पहुँच पाएंगे। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये भद्रकाली टेम्पल है। इस टेम्पल में मतलब लोग पूजा पाठ करते हैं। और आप बाय द बस जा रहे हैं तो आपको तो वो न्यू रोड गेट पर ले जाके ही उतारेगा, वहीं पे इस सबका स्टॉपेज रहता है। बीच में अन्य भी और भी स्टॉपेज है लेकिन आपको न्यू रोड के गेट पे उतरना है। और गेट पे उतरने के बाद में आपको डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ जो एक बड़ा सा दरवाज़ा टाइप का होगा, मतलब द्वार टाइप का होगा, जो आगे वीडियो में कुछ आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का होगा जो आगे आप वीडियो में देखेंगे, वो जो सामने आप देख रहे हैं वो सिविल मल है। सिविल मल के बगल में अब ये यू टर्न लेगा और वापस अपने रास्ते में वही रूट जिस रूट से आया था उस रूट से होकर ये वापस लौट जाएगा। चलिए इसका लास्ट स्टॉपेज जो है वो इसी घर के सामने है। ये घर काठमांडू मल है, सुंदरा मल, काठमांडू मल आप इसको बोल सकते हैं। तो इसी के आगे एक NAC यानी कि नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन, नेपाल वायु सेवा निगम है, तो यहाँ पे आपको उतार देगा। यहाँ पे उतरने के बाद में आपको ऑन द वे सीधा स्ट्रेट में आपको 5 से 10 मिनट चलना है। उसके बाद में आपको इस प्रकार का एक गेट दिखाई देगा, इस गेट का नाम है न्यू रोड गेट,
ठीक है, इस गेट को आप क्रॉस कर ले, हो सके तो आप क्रॉस कर ले। क्रॉस करने के बाद में आपको यहाँ से फर्स्ट राइट लेना है। यदि आप शॉर्टकट जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको फर्स्ट राइट लेना है। उसके बाद में आगे आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य नज़र आएगा। अब यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट ये सब होलसेल मार्केट ही है। मैं आपको कपड़ा का मार्केट लेके जाना चाह रहा हूँ, ये सब होलसेल मार्केट ही है। ये रहा इंद्र चौक का दृश्य। इंद्र चौक बहुत सारा फैब्रिक का दुकान है। मैं किसी अन्य दिन ये सारे दुकान को एक्सप्लोर करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस गली में कौन सा वेराइटी आपको मिलेगा और कैसे आपको परचेजिंग करना है, ये सारा जानकारी दूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही आगे अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को नीचे लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में एक घंटा का निशान आएगा, उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।